विवाद चल रहे हैं, क्या लगता है कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अनियमितता हुई है? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां, जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की, यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। पहला सवाल यह है कि यही लोग आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहाँ थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहां पर पीडीए परिवार के आज तक, जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक, 15% भी पीडीए परिवार नहीं है। और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। तो अगर हम ये दो यूनिवर्सिटी का देख लें और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट देख लें, और वाइस चांसलर ने जिनको नौकरी दी है उनके हम आंकड़े देख लें, तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। आरक्षण की मूल भावना से ये अलग हुए हैं, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं है। अनुप्रिया पटेल ने जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने यही सवाल खड़ा किया कि नौकरी को लेकर के, देखिए ये जो चिट्ठी पत्र या जो आरक्षण के पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बचाते हैं। ये उस दल को बचा रहे हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। सर, क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है, कल वर्ल्ड कप जीता है टीम इंडिया ने, क्या कुछ कहेंगे? मैं इंडिया की जीत के लिए बधाई देता हूँ और पूरे देश के लोग इंडिया की जीत पर खुशी मना रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है, कि शुरुआत किस तरह से क्या रहा? मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, जहाँ वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं जहाँ वो पेड़ लगाएंगे, और कह तो रहे हैं कि पीड़े पेड़ लगाएंगे, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि जहाँ पेड़ लगा रहे हैं वहीं समाजवादी विचारधारा को भी बहुत मजबूत बनाएंगे। सर, जिस तरह से उपचुनाव होने हैं, क्या लगता है कि गठबंधन से होगा या आप अकेले? देखिए ये फैसला अभी का नहीं है, बाद का होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता है कि चुनाव कब होगा, इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। सर, सदन में आप बैठ रहे हैं, सदन शुरू हो गया है, पिछले मुकाबले किस तरीके का अंतर अब आप देख रहे हैं, बीजेपी की क्या स्थिति? याद होगा आपको, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम याद दिलाते थे कि 60 लाख बच्चों के परिवारों के साथ खिलवाड़ हुई थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, और उसका गणित भी बताते थे कि अगर उस परिवार के सदस्यों को केवल हम माँ बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख परिवार या लोग ऐसे थे या वोट जो प्रभावित थे सीधे सीधे। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्ज़ाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं।
भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो, ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जैसे ये आरक्षण की जो चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। तो जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे ये तमाम चिट्ठी लिखने वाले कहाँ थे? तो सर सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई करेगी? देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा, और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। सर लगभग चार महीने बाद मोदी के मन की बात आज फिर से कार्यक्रम शुरू हुआ, 111वां संस्करण है, मैंने तो सुना नहीं। सर पीडीए से क्या लग रहा है आपको कि भाजपा की पीडीए से घबरा रही है क्या, किस तरीके रणनीति अब उनको बदलने के प्लान बना रहे हैं? पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं, और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा खिलवाड़ किए उनके अधिकारों के साथ, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी का जो रास्ता है उसी पे चल करके हम लोगों को ये जीत मिली है। इस जीत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उत्तर प्रदेश की समझदार जनता, और वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आ जाएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। सर एनडीए सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनके विधायक जो उनका नकल माफिया में नाम आ रहा है, बेदीराम जी का। अच्छा, अब सरकार को सब पता है, अब कौन सी सबूत सरकार को चाहिए? अब भी सरकार को सबूत चाहिए। तो सर विपक्ष के लोग होंगे तो उनके बिना सबूत के, बिना जांच के कार्रवाई, लेकिन अब क्या सबूत चाहिए सरकार को? सोचिए आप, हर चीज है, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ सब बातें साफ आ रही हैं, सबने सुना है, और कोई छोटा चैनल नहीं है, देश का बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिली है। अगर नीट के एग्जाम में इस तरह की खिलवाड़ होगी, या तमाम परीक्षाओं में जो खिलवाड़ हो रही है, अभी बच्चे आरओ एआरओ वाले बैठे हैं, बताओ उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ, वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, और नौकरी इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन बनेगा उसके, ये उनके भविष्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष के लिए किसके नाम की चर्चा रहेगी? नहीं, कोई चैनल बनना चाहे तो बता दे। कल आपका जन्मदिन है, किस तरह से चीजें रहेंगी कल? देखिए, मैं जन्मदिन कभी मनाता नहीं हूँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सादगी साथ मनाएं।